हाय, दिस इज़ सप्तऋषि यार, वेलकम टू माय चैनल होम आउट ट्रैवलर। एक्चुअली मेरा जो लास्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, सो इन दैट वीडियो आई शेयर्ड अबाउट दैट कि मैं चेन्नई पे किस तरीके से एज ए मिनिमम सपोर्ट ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है एंड यूट्यूब से भी मेरे को पैसे नहीं आता है, मतलब बिल्कुल ही नहीं आता है। यूट्यूब पे जो मेरा व्यूज़ जाता है और जो मेरा चैनल का रीच है, उस हिसाब से आई डोंट गेट एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू। तो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, थोड़ा बहुत फैमिली से ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत छोटा छोटा कुछ वीडियोज़ एंड फोटोग्राफी वाला काम करके या फिर और कुछ काम करके मैं कर लेता हूँ। मतलब समाओ लाइक अपना ट्रैवल के लिए थोड़ा बहुत बजट निकाल लेता हूँ और पर मंथ मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता ट्रैवल पे। एक्चुअली मैं एकदम सस्ते पे ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल जगह पे खाना खाना, लोकल फूड खाना, अगर कोशिश होता है तो किसी के पास मतलब काउच सर्फिंग या फिर लोकल मतलब चेन्नई पाए किसी को दोस्त बना लिया उसके घर पे रुक जाना। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माय मोस्ट ऑफ द ट्रैवल एक्सपेंसेस। सो एक्चुअली उस वीडियो के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो 14 डेज है, एक्चुअली नेक्स्ट 14 डेज के लिए मैं अपना चेन्नई पे रहने का खाने का एक ठिकाना बना लिया हूँ एक्चुअली। सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट इट, एक्चुअली आई केम हियर इन द नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, मेरे पीछे ही है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और पिछले 14 दिनों से मैं अपना नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। तो दिस इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्चुअली, मेरे को था काफ़ी टाइम से एक्चुअली, जब मैं ही चेकिंग कर रहा था या फिर ट्रैवल कर रहा था उसके वजह से भी, और जब मैं स्कूल लाइफ पे था उस पर मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होया करता था, तो उसके वजह से मेरे हेल्थ पे उसका इफेक्ट आया, बैक पेन। तो फॉर दैट आई वॉज़ लुकिंग फॉर सम मेडिसिन ट्रीटमेंट कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अगर मैं अपने घर पे बोलूँगा कि मेरे को ये हुआ है, तो सबसे पहले उनको उनके तरफ से सुनने के लिए मिलेगा कि तुमको कौन बोला था ट्रैवल करने के लिए, तुमको कौन बोला था बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देने के लिए, या फिर ऐसे लाइफ लीड करने के लिए तुमको कौन बोला था, मतलब बंजारा के तरह लाइक दैट। सो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। तो बस मिल गया ये जगह गूगल पे ढूंढते, तो बाद में पता चला कि मतलब ये मेरे लिए हो गया, मतलब पता नहीं डेस्टिनी ने काम किया या लकीली हो गया, क्या पता। एक्चुअली होता क्या है कि हॉस्पिटल में अगर किसी को एडमिशन चाहिए सो फॉर दैट आपको लाइन लगाना पड़ता है, मतलब यहाँ पे आप फ़ोन करके बोलो या फिर बात करो, फिर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे पेशेंट को एडमिट कर दिया जाता है 14 दिन, 7 दिन और 21 दिन, मतलब 7 के मल्टीपल्स के हिसाब से। तो मैं जब यहाँ पे आया डायरेक्टली मैं गया बात करने के लिए हॉस्पिटल पे, ओपी में जैसे दिखाते हैं आउट पेशेंट पे, मैंने पूछा कि मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ और नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि यू टॉक विद आवर प्रिंसिपल सर। तो मैंने प्रिंसिपल सर के साथ जाके बात किया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम 14 डेज के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट ले लो और तुम नेचुरोपैथी को एक्सपीरियंस करो, उसके साथ साथ वीडियोज़ बना के दिखाओ कि नेचुरोपैथी में कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। मतलब मैं जिस टाइम पे आया उस टाइम एक्चुअली बेड भी खाली था और प्रिंसिपल सर का भी मेरे को रिकमेंडेशन मिल गया, तो उसके वजह से आई गॉट 14 डेज स्टे हेयर इन दिस हॉस्पिटल, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा और बहुत सही एक टाइम गया। 14 दिन पे मैं अपने बॉडी को भी हील कर लिया और ऐसे एक जगह पे रुक के एक्सपीरियंस कर लिया जहाँ पे ज़िंदगी को स्लो स्लो महसूस किया जाता है। तो मेरा जो अगला आने वाला व्लॉग्स है दैट विल बी ऑल अबाउट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेते लेते मैंने कोशिश किया है लगभग बहुत जगहों पर वीडियोज़ बनाने के लिए और बहुत जगहों पर ना बनाने के लिए। एक्चुअली जब ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उस टाइम अगर मेरा ध्यान या फिर इंटेंशन ब्लॉगिंग की तरफ रहेगा तो फिर मैं सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं ले पाऊंगा, तो उसके वजह से मैं कोशिश किया हूँ कि जिस जगह पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ या फिर क्या हो रहा है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट पे उस जगह पे ही बनाया हूँ। तो कुछ दिन ऐसे भी गया कि जहाँ पे वीडियो सही ढंग से बन नहीं पाया, जो चीज़ मतलब नॉर्मली होता है तो उस तरीके का चीज़, बट देन ऑल्सो लाइक 14 डेज विदाउट ईटिंग एनी काइंड ऑफ कुक फूड, ओनली रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये मतलब मेरे को बहुत सही एक एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा रॉ फूड और इतना ज़्यादा अनकुक खाना खा के इतना लंबा समय तक रहा। मैं भी एक दिन फ्रूट्स पे रहा, 2 दिन फ्रूट्स पे रहा, बट इतना लंबा मेरे लिए भी काफ़ी मतलब अलग एक्सपीरियंस था और काफ़ी नया एक्सपीरियंस था इस जगह पे महसूस किया मैंने आके। और जितना सारा वीडियोस होगा मैं धीरे धीरे करके डे 1 डे 2 डे 3 करके 14 दिन का व्लॉग लाने का कोशिश करूँगा। अगर कुछ दिन ऐसा हुआ कि मैंने छोटा छोटा व्लॉग बनाया तो मैंने प्रोग्राम किया हूँ अगले 14 दिन का जो वीडियोज़ आने वाले उसके लिए, और उसके साथ साथ देखते हैं। और 2 दिन मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट बचा हुआ है, ट्रीटमेंट करेंगे और चेन्नई का कुछ अलग जगहों पे जाएंगे। डेली लाइफ जो चेन्नई में एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ हर एक दिन का रिफ्लेक्शन और उसके साथ साथ मेरे अंदर क्या महसूस हो रहा है उस चीज़ को अपने व्लॉग्स पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ और आगे आते हुए भी करूँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द व्लॉग, काफ़ी कुछ बोल दिया, और अगला 14 दिन का जो वीडियो होगा वो बहुत सही होने वाला है। आप खाली बने हुए रहिए
और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक देना, वीडियोस कैसा लगता है शेयर करके बताना, अपना फीडबैक शेयर करना कमेंट सेक्शन पे जाके, और वीडियो बनाने पे इंटरेस्ट रखता हूँ और अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।